श्री विश्वनाथो विजयते तराम। सज्जनों, आज हम सभी चंद्रस्पष्ट के बारे में सीखेंगे। चंद्रस्पष्ट क्या होता है, चंद्रस्पष्ट का गणित कुंडली में किस प्रकार से करते हैं। कुंडली में हम सभी ग्रहों का स्पष्टीकरण करते हैं, अर्थात जन्म के समय कौन सा ग्रह कहां पर था, किस स्थिति में था, क्या उसका राशि अंश कला विकला में मान था, इसे जानने के लिए हम गणित करते हैं। गणित के द्वारा उस ग्रह को स्पष्ट करते हैं। तो आइए आज चंद्रमा का स्पष्टीकरण किस प्रकार से करते हैं यह सीख लेते हैं। देखिए, चंद्र स्पष्ट करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला भयात, दूसरा भभोग और तीसरा जन्म नक्षत्र। यदि आपने अभी तक भयात भभोग वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आइए चंद्र स्पष्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि भयात को यहाँ विपलात्मक बनाना होगा। भयात को विपलात्मक बनाना होगा। हमारा भयात है 25-20, यानी कि 25 घटी 20 पल। तो यहाँ पर हम जब 60 का 25 में गुणा करेंगे तो ये भी पल में हो जाएगा 1500 पल, और इसमें इस 20 पल को जोड़ देंगे तो आ गया 1520 पल, और इसमें एक बार और 60 का गुणा कर दिए तो ये हो गया 91200 विपल। ठीक, तो ये भयात का विपलात्मक 91200 विपल हो गया। और अब ये रहा हमारा भभोग, 60 घटी 10 पल, तो इसमें जब हम 60 में 60 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600, और इसमें इस 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3610, यानी कि यह भभोग जो है यह हमें पलात्मक प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे कि इस पलात्मक भभोग से विपलात्मक भयात में भाग देंगे। आइए देख लेते हैं। ये रहा हमारा 3610 पलात्मक भभोग, और ये रहा 91200, ये है हमारा विपलात्मक भयात। पलात्मक 3610 भभोग से विपलात्मक 91200 भयात में भाग देंगे तो यह दो बार में जाएगा 7220 से, बचेगा 1900 शेष, ऊपर से आएगा शून्य। और जब हम 3610 से पांच बार में ले जाएंगे, अर्थात पांच बार में गुणा करेंगे तो आएगा 18050। जब 19000 में से 18050 को घटाएंगे तो 950 बचेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इस 950 शेष में 60 का गुणा करेंगे नियम के अनुसार, यानी कि ये जो हमारा 950 शेष बचा इसमें 60 का गुणा करेंगे नियमानुसार। जब हम इसमें 60 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 57000। अब इस 57000 में फिर से हम पलात्मक भभोग से भाग देंगे, यानी पलात्मक भभोग है हमारा 3610, इससे जब भाग देंगे तो यह जाएगा एक बार में और बचेगा 2090 शेष, ऊपर से आएगा शून्य, और फिर जाएगा पांच बार में 18050 से, आएगा शेष 2850। अब इसमें फिर से हम नियम के अनुसार 60 से गुणा करेंगे। जब 60 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 171000। तो इसमें फिर से हम पलात्मक भभोग से भाग देंगे। जब पलात्मक भभोग से भाग देंगे तो ये जाएगा चार बार में और आएगा यहाँ, जब हम 3610 पलात्मक भभोग से भाग देंगे तो चार बार में जाएगा और 14440 आएगा, शेष बचेगा 2660, इसमें ऊपर से शून्य हम उतारेंगे, जाएगा सात बार में 25270, शेष बचेगा 1330। इस प्रकार से हम 60 से गुणा कर करके, 60 से शेष में गुणा कर करके तीन बार हम 3610 यानी कि पलात्मक भभोग से विपलात्मक भयात में भाग देंगे 60 से गुणा कर करके, और तीनों बार में प्राप्त जो लब्धि होगी उसे हम एक जगह लिख लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, जो हमारा जन्म नक्षत्र होगा तो उस जन्म नक्षत्र संख्या माइनस एक, यानी कि जन्म नक्षत्र संख्या में से एक को घटा देंगे। तो हमारा जन्म नक्षत्र संख्या, हमारा जन्म नक्षत्र था मृगशीर्ष। तो मृगशीर्ष का होता है जन्म नक्षत्र संख्या अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशीर्ष, यानी कि पांचवा नक्षत्र है। नक्षत्र वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो पहले उसे देख लीजिए। तो हमारा जन्म नक्षत्र संख्या पाँच था, जिसमें से हम एक को घटाएंगे तो चार आ जाएगा। इसमें नियम के अनुसार 60 से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा करने के बाद आएगा 240।
अब इस 240 में ऊपर जो हमने तीन बार जो भाग दिया है ये क्रम से, एक और ये दो और ऊपर ये तीन, ये तीनों बार भाग देने से जो भागफल आया है 1 का 25, दूसरे का 15 और तीसरे का 47। इस तीनों को इस 240 में 25, 15, 47 इस प्रकार से लिख के जोड़ देंगे। तो हम जब जोड़ेंगे तो ये 47 जस का तस नीचे आ जाएगा। ये घटी पल विपल में है, ये तीनों इस प्रकार से हम समझ लेंगे घटी पल विपल में। तो क्या होगा कि ये 47 का 47 हो जाएगा, 15 का 15, और ये 5 0 5, 4 2 6 और ये 2, यानी कि 265 घटी 15 पल, 47 विपल आ गया। अब इसको हम द्विगुणित कर लेंगे, अर्थात इसमें 2 का गुणा करके इसको 2 गुणा कर लेंगे। तो 2 का गुणा करना थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे जैसा का तैसा एक बार और नीचे उतारेंगे और इसको जोड़ लेंगे, तो ये 2 गुना प्राप्त हो जाएगा। तो हमने इस ऐसा ही एक बार और लिख लिया और इसमें इसको जोड़ लिया, तो 7 7 14 के 4 हासिल गया 1, 4 4 8 1 9, यानी कि यहाँ पर 94 ये हमें विपल प्राप्त हुआ। तो क्या होता है कि 60 विपल बराबर 1 पल होता है, तो 94 में से 60 को हम घटा के इधर 1 पल जोड़ देंगे तो यहाँ पर 34 विपल बच जाएगा। यदि आपको घटी पल विपल का मामला समझ ना आ रहा हो तो सबसे पहले हमारा स्क्रीन पर दिख रहा वीडियो को देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर 34 विपल हो गया, और इधर 5 5 10, और इधर से प्राप्त 1 पल 11 का 1, ऊपर हासिल गया 1 1 1 2 और 1 हासिल 3, यहाँ पर 31 पल हो गया। और ये 5 5 10 का 0 हासिल गया 1, 6 6 12 1 13 के 3 हासिल गया 1 2 2 4 1 5, यानी कि 530 घटी 31 पल 34 विपल ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, हम 9 का भाग देंगे, आइए देख लेते हैं। तो इस 530 घटी 31 पल और 34 विपल में जब 9 का भाग देंगे तो सबसे पहले हम 530 में देंगे, तो 9 5 45, 8 बचा, ऊपर से 0 आया 80, 9 8 72, 8 बचा शेष। इसमें हम नियम के अनुसार 60 से गुणा करेंगे, आ गया 480। अब इसमें जो 31 ऊपर ये है इसे ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे।